प्यार बंदी है और उसे छोटा भाई है जिसका नाम आसिफ फौजी है और फौज की नौकरी करता है और मैं सोनभद्र स्टील फैक्ट्री का मैनेजर हूँ और आसिफ से छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है वो इंटर की पढ़ाई कर रही है और इसी हमारे घर में सबसे बड़े हमारे चाचा है जिनका नाम सागर है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, मेरी शादी हुई 2 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ एक ही अपने घर में था, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी चलाया। ड्यूटी आने के बाद मुझे छुट्टी नहीं मिली कि अपने घर चला जाऊं, अपने परिवार वालों से मुलाकात कर लूं। आज जो परसों होली का त्योहार है, इस होली के त्योहार पर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊं, अपने घर परिवार वालों से मुलाकात कर लूंगा, होली का त्योहार कर लूंगा, उसके बाद मैं फिर अपने ड्यूटी वापस चलाऊंगा। इसी वक्त मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊं, हमारे ही गांव का रहने वाला जिसका नाम रामू है वो भी यही रहता है। कभी त्योहार मिल जाता है, हाल चाल मिल जाती है और कहता है भैया जब कभी घर जाना तो मुझे भी बताना, हो सकेगा तो मैं भी आपके साथ में चलूंगा। उसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा है तो जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे हम गए भैया गुड़लाई नहीं चना लाई लेवा नहीं गया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट बोलने की तमीज है, बोलने के लिए परेशान रहता है। भैया बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। यहाँ मिले कर नहीं तो सुधर पा रहा है, बढ़िया बना रहा है, बढ़िया है। अरे रामू भैया, होली के त्योहार है, होली के त्योहार पर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, मैं यही सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ, अपने परिवार वालों से मुलाकात कर लूँ। हो सकता है कि इसी होली के त्योहार पर मेरा छोटा भाई आशीष भी आया होगा, उससे भी मुलाकात हो जाएगी, रंजना की भी हाल चाल मिल जाएगी, चाचा से मुलाकात हो जाएगी, अपने पत्नी से भी मिल लूंगा। बता तो होली के त्योहार में घर नहीं चलेगा क्या? क्या बताऊं भैया, आप कंपनी के मैनेजर रहा, हम कंपनी का भी हेल्प भरे है, आप कंपनी छुट्टी मिल गया है आप, लेकिन अभी आपका कंपनी छुट्टी नहीं मिलती है, आपका बहन परिवार छुट्टी मिलेगी। परिवार को छुट्टी मिलेगी? क्या बे, जब खोलने का समय आएगा तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी? वो 2 दिन 4 दिन छुट्टी मिलती है बस। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तू घर नहीं चलेगा? हम घर न जा, लेकिन आना जाता है घर, हमारे घर चला जाया। घरे हमारे घर चला जाया, जब हमारे घर एक गुड़िया है बच्चा लेके गुड़ी खा चला आया। कहीं का बताइए भाई, खोजे खाएंगे नहीं मिलेगा तो कोई खिचड़ी खाओ। जब हमारे मिली मैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा जरूर। खुजरी जाए कुकुरी, मुझे खुजरी नहीं खाना है। हम भाई जो खुजरी खावे नहीं तो कुकुरी खुजरी हमको खवा होता है। घरे जा, तोरे अम्मा का हाल चाल ले ले, ये देखो तोरे अम्मा कैसे है, तोरे बाबू कैसे है, एक ठिकाने आई नहीं, और सबके हाल चाल ले लूंगा। अरे घर जाकर सबका हाल चाल ले जाए, क्या अम्मा की केल है? नहीं तोरे अम्मा पहले मिले थी मुहारे, तोरे बाबू को बाकी, लेकिन तोरे अम्मा राजी करी दो। चलो इसी वक्त चलते ट्रेन कटा दी, टिकट में बैठा निकल जाए। कहा ट्रेन कटा दी, टिकट में बैठी निकल जाए, तो हम बैठे रह गया। तो तुम्हें कहना चाहिए भैया चलो मैं टिकट कटा के तुम्हें ट्रेन में बैठा दूँ, तो हमका ट्रेन कटा के टिकट में बैठा हो जाता। ऐसा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ। तो ठीक क्या है, शिक्षित हूँ मैं, खुद आ जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बताइए अरे मेरे मालिक को, चाचा जी का जो फोन पर रहा था पैदा हो गए। अगर हमारे स्वामी आ जाए, हमारे भतरुआ आ जाए, अगर हमसे
लिए तो हम कहा जवाब दे। अरे भगवान, चला जब जवाब गाड़ी में गई बैठे ना तो जो हो हम देख ले। अरे किस पड़ोसन का बच्चा लाई हो, ले जाकर के दे दो, बेचारा भूख मारा
सब रहा है। मेरे से मम्मी उसकी माँ भी परेशान होगी। ये किसी पड़ोसन का बच्चा नहीं। क्या कहा? किसी पड़ोसन का बच्चा नहीं, नहीं। तो किसका बच्चा है? ये बच्चा मेरा है। भैया भौजी तो कहा दिया ये बच्चा तो मेरा है। मेरा नहीं ससुर बता दे हिया है। क्या कहा है? बच्चा तुम्हारा है। भले मेरी बात सुन।
आपको मालूम बासवा बिना यहाँ से पूछ लिया कहिए मेरा छोटा भाई बगैर मेरे इजाजत को अपनी शादी कर लिया अरे वाह वाह मेरे छोटे भाई आशीष मैंने तुझे क्या समझा था और क्या निकल गया बिना हमारी मर्जी की अपनी शादी करके दुल्हन घर में ले आया और मेरी औरत के साथ खिलवाड़ किया लेकिन मेरी बातों में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अगर आप हमारे बात नहीं मानते हैं घर में तक गया तो समझदार चाचे हैं आप उनका बोला है कि पूछ तक ठीक है मैं इसी वजह से चाचा जी बुलाता हूँ बैठ गया बगल में अरे चाचा आज मैं आपको बहुत जरूरी काम से बुलाया हूँ लेकिन पहले बताओ चाचा जी आपने शराब पीना चालू कर दिया बेटा 20 बीघे वहाँ मजदूर ज्यादा रहते उनके साथ में बैठे बैठे थकाई लगती थोड़ा सा ले लेते तो बैठे बैठे थकाई लगती है इसीलिए दारू पीना जरूर क्या हम दोनों भाई पैसा कमा कर इसीलिए भेज रहे हैं क्या आप घर मेरे को खूब धुआंधार दारू पिए चलो कोई बात नहीं ठीक है भाई घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हो लेकिन चाचा जी आवाज दिए हाँ मैं बुलाया बहुत जरूरी काम से चाचा जी ये बताइए कि जब मैं घर में 2 साल से नहीं रह रहा हूँ तो मेरे पत्नी के गोद में बच्चा किसका है क्या बोला इसके गोद में क्या बताऊँ मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है बेटा मेरी बात सुन मैं मजदूरों से काम करा रहा खेतों में बैठे बैठे शराब पी रहा था इधर से बहू घर में अकेली थी ये तेरा भाई रोवाना चाचा रोवाना ये तेरा भाई अशिशवा कमीना बाहर से आया तेरी बीबी को अकेले देखा उसके घर में घुस गया बेटा उसकी इज्जत लूट लिया ये बोली मैं अपने चाचा से बता दूंगी मेरा नाम जब सुना कमीना भाग निकला मजदूर गया बोला चाचा तुम यहाँ बैठ कर शराब पी लो वहाँ तुम्हारी बहू रो रही थी मैं भागा भागा आया पूछा बहू क्यों रो रही है बोली चाचा मैं लूट गई बर्बाद हो गई मैंने कहा क्या हुआ बहू बोली की अशिशवा मेरी इज्जत लूट लिया मेरे लाल मैं सोचा तुझे बताऊंगा घर में लड़ाई और झगड़ा होगा घर हमारा बिखर जाएगा इसलिए नहीं बताया दूसरी रात में बता दिया लेकिन अपने भाई आशीष को कुछ मत कहना लेकिन भाई भाई होता है हेलो
आपका स्वागत है। एक और मैंने जांच कर लिया, एक दबाए अपना मोबाइल जांच करना है तो दो दबाए, अपने फोन की जानकारी लेना है तो अपना नीचे वाला दबाए। हेलो हेलो सर, फोन टाइम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? हम सागर सरालू बोल रहे हैं। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हेलो साहब, हेलो कंट्रोल रूम, हेलो साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सागर सरालू बोल रहा हूँ साहब। हाँ किसने फोन किए? मेरे घर में एक मासूम बच्चे का कत्ल हो गया। तुम्हारे घर में एक मासूम बच्चे का कत्ल हो गया? हाँ, इसीलिए मैं फोन लगा साहब, आप जल्दी करिए। अच्छा ये बता, तो शराब पिया है क्या? मैं पिया हूँ लिया नहीं। साले तेरे मुँह से बदबू वाले भोसड़ वाले करा लिया हूँ। बड़ी लंबी नाक रखते हो साहब। अबे साले पुलिस वाले ऐसे होते हैं, मुर्दे को कब्र से निकाल लेते, फिलहाल तो वो जिंदा है। मेरे बच्चे कत्ल हो गया, जल्दी आए ना। ठीक है, फोन रख मैं आ रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार, सागर सलामी तुम्हारा नाम? सागर सलामी मेरा ही नाम है। अरे यार, अभी थाने में फोन लगाया था। मैं फोन लगाया था, ओ मासूम बच्चे की कत्ल हो गई है। कत्ल हो गया। कत्ल करने वाला कौन? कत्ल करने वाला ये मेरा बेटा सो। तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा बेटा सो। मासूम बच्चे की लाश कहाँ है? तुम्हारे पीछे है साहब। अरे 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 बहू, अरे बहू, रो मत। क्यों चौकीदार? मासूम बच्चे की लाश मिल के गाड़ी पिला के थाने पहुंचा। बहू मत रो बहू। और ये कहाँ है? Thank you.
मासूम बच्चे की कतल में भावरा जगत भी शामिल है? भावरा जगत कत्ल करने में नहीं शामिल है, कत्ल मैंने किया हूँ। मासूम बच्चे को मैंने कहा होगा तो ये भावरा जगत का नाम कैसे आ रहा है? साहब जिससे कहानी के लेखक है, कहानी के लेखक है तो क्या उसने कहा था कि हाँ इसमें बच्चे की कत्ल करना? हथकड़ी लगाना चाहते हैं आप? ठीक है, आप मुझे हथकड़ी लगाइए, लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर पूछूंगा साहब। क्या पूछोगे? पूछना चाहता हूँ साहब। बोलो। ये आपका नाम ऋषभ चंद है ना? ऋषभ चंद। मैं सुना हूँ कि आपका नाम ऋषभ चंद है, आप बिना पैसे के काम नहीं करते हैं, तो आपको हमारे चाचा ने कितना घूस दिया है? घूस नहीं लिया तो नौकरी बचा के रखता हूँ, घूस छोटा मोटा रहेगा। अच्छा तो ठीक है चाचा, ठीक है साहब। आप एक बात ही बताइए कि मैं 2 साल से घर पर नहीं रह रहा हूँ, मेरी शादी से 2 साल हो गए और शादी के एक ही हफ्ता बाद मैं अपनी ड्यूटी चला गया। अरे तो होली के त्योहार पर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली, जब मैं 2 साल के बाद घर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी गोद में बच्चा लिए हुए बैठी है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मैं घर में नहीं रह रहा हूँ तो बच्चा किसका है? साहब मैं आपसे 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। अच्छा ये बता, तूने अपने पत्नी से बात करता था फोन से? यार पागल है क्या यार? क्या है पागल है? अरे कौन अपने पति से बात नहीं करेगा, अपने घर वालों से बात नहीं करेगा। अच्छा ये बता, वीडियो कॉलिंग बात करता था कि बात करता था? ऑडियो कॉलिंग बात करता था, वीडियो कॉलिंग भी बात करता था। बात करने से क्या होता है? समझ में आ गया। अरे साहब क्या बात? साहब वीडियो कॉलिंग बच्चा सकता है क्योंकि वायरस हो गया कोरोना का, सारे चीन से चलाएगा अपने हिंदुस्तान में। अरे साहब ये वीडियो कॉलिंग कैसे वीडियो कॉलिंग बात करता है? हाँ ऐसे वीडियो कॉलिंग बच्चा भी आ सकता है? बच्चा भी आ सकता है, आप पागल हो? ले चलो इसे थाने, हम इसका चालान करेंगे और जेल जाएगा। फिर इसका फैसला कोर्ट करेगा। ले चलो सही है। जब तक वहां था डेली मार्च में घेरा लड़ाई यही सब होता था।
अब तो सुख से रहते एकदम आखिर अलग रहा जाके तो घरे ख्याल खबर लेगा कि घरे में का होता है का नहीं होता हार नहीं जाएगा मुझे किसी से मतलब नहीं है। अरे ओ घरे के जना क्यों बाहर बेगाना नहीं है जितना समझता क्यों वहां तो घरे में तो बाहर अपन है क्यों नहीं है कोई नहीं मेरा त्योहार राजहान रहा त्योहार त्योहार छुट्टी है भाई परदेश से आज यहाँ छुट्टी से त्योहार भाई को तो आज चलत रहन क्या हम नहीं चले भाई क्या आ जाए भैया सरकार लेते रहिए वो तो हमेशा रूप रहते हैं मान लिया समय बिना ही आई क्यों होता आए हम तेरे मुलाकात करूं भाई से आए थे अच्छा फिर ड्यूटी चले गए ड्यूटी नहीं चले गए जेल चले गए आया तो फर्क बात कर रहा है मेरे भैया क्यों जेल जाएंगे भैया तुम्हारे जेल इसलिए गए जब आप घर से अलग हो गए तो भाभी को आपके बच्चा पैदा हुआ हाँ इतना ही नहीं आज भैया परदेश से वापस आए भाभी से पूछने लगे कि बच्चा किसका है तेरे गोद में तो कहने लगे किसी और का नहीं ये तुम्हारे भाई या शिशुआ का बच्चा है भाभी ने ऐसा कहा यार मैं छोटा भूल नहीं अपन भाई बंद समझत रहे हर चीज काम करते आपका बताओ रहे लेकिन बताया नहीं आपका कब से कब भाग रहे क्या डेरी लगे भाभी माँ समान होती है यार इतनी चीज नहीं है कर मैं अपने दिमाग सोच नहीं सकता मैं समान होती है और क्या लेकिन एक बात पा भैया इसको अपनी माँ समान है यार इतना आप ऊपर कलंक लगाए मैं भी समझता हूँ भैया कि आप गलत नहीं है मैं समझता हूँ आपकी बातों को लेकिन सारी बात छोड़िए सबसे पहले नंबर ये सोचिए कि भैया की जमानत कैसे हो यार जमानत कराने के लिए पैसा लगेगा अब पैसा मेरे पास है नहीं यार जो कमाया अब तक सब चाचा के खाते में ट्रांसफर कर दिया था एक काम करो चलो इसी में चाचा के पास चलूंगा और पैसा लूंगा चाचा से ही हाँ जमानत बोले थे हाँ अब भैया जमानत कराऊंगा मैं खुद